दिल्ली से लक्ष्मण, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो। हाँ जी लक्ष्मण जी, सवाल क्या है? मेरा ये है कि मुझे शुगर जो है वो रहती तो कंट्रोल में है लेकिन कम नहीं हो रही है, पड़ी हुई है। उम्र क्या है आपकी और शुगर कब से है? शुगर तो 50 साल से है, उम्र जो है 78 साल है। जी हाँ देखिए, काफ़ी पुराने पेशेंट हैं और आप बहुत कुछ जानते होंगे। वैसे आपको बताना भी ठीक नहीं है, लेकिन क्योंकि आपके साथ लाखों लोग सुन रहे हैं इसलिए ये बताना ज़रूरी है कि शुगर वाले को 5 बार या उससे ज़्यादा बार गर्म पानी पीना चाहिए, और भोजन जो करते हैं वो अगर 4 रोटी आपकी खुराक है तो 2 रोटी खाया करें और छोड़ दिया करें, चाहे फिर 2-3 घंटे बाद फिर 2 रोटी खा लें। इससे भी शुगर कंट्रोल होती है। अगर आप पैदल चलने के लायक हैं तो 1 घंटा धूप में चलें, एक साथ नहीं तो धीरे धीरे करके चलें, 15-15 मिनट करके। चल नहीं सकते हैं तो धूप में बैठा करें, इससे भी शुगर कम होती है। और एक जैतून का सिरका आता है, जैतून का सिरका 3 चम्मच सुबह 3 चम्मच शाम पानी में मिलाकर खाने के पश्चात आप पी लिया करें, आपकी शुगर में काफ़ी फ़ायदा मुमकिन है। जी रोहिणी से अगले कॉलर हैं अरविंद, स्वागत है आपका। मैडम, नमस्कार से बात करना था। जी आदावर साहब, बताइए क्या सवाल है। नमस्कार आदाब। सर, मेरी लाइफ उम्र करीब 45 साल है। हेलो। मैं सुन रहा हूँ, आप बताइए। हाँ तो सर, स्लिप डिस्क की परेशानी है 2015 से, और वो कहती है कि कमर के हिस्से पिछले साइड में लगता है जैसे 1.5-2 किलो का कोई बंधा हुआ है। मैं समझ गया। आपके घर में वेस्टर्न टॉयलेट तो होगा जरूर। हाँ जी, लगवा लिया। आपकी बात तो जो हमने लगातार देखा है टीवी पर, फोटो में करवा लिया, अच्छा और अच्छा काला बहुत ब्लैक धन्यवाद। बोर्ड भी हमने लिया हुआ था। ले लिया? कितने हाँ लिया हुआ, करीब 20-22 दिन हो गए। दिन से ले रहे हैं? अरे 20 दिन हो गया जी, 25 दिन के आसपास। तो अभी तक तो फायदा शुरू हो जाना चाहिए। बहुत ज्यादा है तो चला भी नहीं जाता, एक पर उसका सुन्न पड़ा रहता है, बहुत धीरे गति से चलना पड़ता है, पैर में जकड़न बहुत ज्यादा है। लेकिन कुछ ना कुछ फायदा होना शुरू होना चाहिए अभी तक। अभी सर क्लियर नहीं हो पाया है, क्लियर होगा तो अच्छी बात है, तो पूरा साफ पता नहीं चल रहा है। ठीक है। हाँ देखिए, आपको तकलीफ काफ़ी है और इसकी बर्दाश्त आप करते हैं, बहुत बड़ी तकलीफ है ये। अच्छा, आधा आधा ग्राम यानी समझ लीजिए 2 चुटकी सुबह 2 चुटकी शाम आप लीजिए, किसी भी तरह खाएं इसे। ये गोलियां बना लें आधा आधा ग्राम की, या शहद में मिला के खा सकते हैं शुगर नहीं है तो, या किसी भी तरह ये आपके पेट में जाना चाहिए। वैसे ये 5 से 10 दिन में फ़ायदा शुरू करता है। किसी किसी को तकलीफ बढ़ जाती है, बढ़ गई है तब भी अच्छा है और कम होने लगी तब भी अच्छा है, बढ़ जाती तो आप बहुत शिकायत करते। और ये गोंद ख़त्म होने से पहले आपको राहत पहुंचाएगा, ऐसा मेरा अनुभव है। और वज़न नहीं उठाएं, और वज़न बिल्कुल नहीं उठाएं। और वैसे भी आप ख्याल रखते होंगे, जब आपने मेरे कहने से वेस्टर्न टॉयलेट लगवा दिया तो आप सारी बातों पर अमल करेंगे और बहुत जल्दी आपका फ़ोन आएगा कि आपको फ़ायदा हो गया है। जी अगले कॉलर हैं आजमगढ़ से, शौकत अली खान हमारे साथ, स्वागत है आपका। हो हेलो जी शौकत जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हेलो वालेकुम। वाले सलाम सर। हेलो जी, शौकत साहब फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। जी, हमारे साहू साहब हैं हकीम जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरे साढ़ू एक हैं जिनकी उम्र 60 साल है, वो सऊदी में जो है काम करते थे, मोटर वाइंडिंग का काम करते थे और खेतों में जाते थे, मोटर बिगड़ता था बनाते थे वो बड़े बड़े खेतों में सऊदी में। वहां से जो छिड़काव होता था केमिकल का, उसका उनको एलर्जी हो गई और खांसी जो 6 महीने तक वहाँ सऊदी में झेलते रहे और फिर आए गाँव पे, वहाँ के इलाज से फायदा नहीं हुआ। गाँव पे आए हुए हैं तो यहाँ भी आए हुए 1.5 साल हो गए, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि उनका लंग जो है 30% बचा है, 70% डैमेज हो चुका है लंग। तो उनको खांसी बराबर आती रहती है
और वो 10 कदम चलते हैं तो उनको आंखा फूल जाता है, सांस फूलने लगती है और बुखार भी रहता है, कभी रहता है कभी नहीं रहता है, लेकिन वो बहुत उनकी परेशानी कम नहीं हो रही है। अगर इसमें आप जो है कोई नुस्खा बता दें उनको, अगर फायदा हो जाए तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया, बहुत मेहरबानी होगी। जी जी हाँ, देखिए काफ़ी पोजीशन उनकी संजीदा है, ऐसी ख्याल रखिए उनका, और डॉक्टरों का भी इलाज छोड़े नहीं बिल्कुल भी। एक मामिन दवा, मददगार दवा बताता हूँ, घरेलू नुस्खा भी नहीं बताता, कभी आप नहीं बना पाए, माजून आहार केयर, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम गर्म पानी से दें, और दिन में ये निहार मुँह और रात को सोते वक्त देनी है, और दिन में कम से कम 5 बार गर्म पानी पिलाया करेंगे तो उनको बहुत राहत होना मुमकिन है। चलिए, तो उनको बहुत राहत हो जाएगी, लेकिन उसके लिए नुस्खे अपना लीजिएगा। अगर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या डिटेल में बात करना चाहते हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर बात कर सकते हैं, जहाँ पे हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स की पूरी टीम बैठी होती है। दर्ज को देखिए, समय यहाँ पे बहुत कम होता है, कॉलर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कोशिश यही रहती है कि सभी कॉलर से बात हो जाए हकीम साहब की, क्योंकि आप लोग शिकायत करते हैं फिर कि हकीम साहब से बात करा दीजिए, आप उनसे बात नहीं करा रहे हैं, तो हमें भी बहुत मुश्किल से हकीम साहब का वक्त मिल पाता है। और इसलिए आप लोगों से अनुरोध करती हूं, मैं निवेदन करती हूं कि जब आप लोगों की कॉल कार्यक्रम में लग जाती है तो आप लोग टीवी का वॉल्यूम कम करके हमसे बात कीजिए, और साथ ही साथ कॉपी पेन लेकर बैठिए दर्शकों, जिससे कि आप हर एक बात नोट डाउन कर सके, हर एक बात आप लोग लिख सके, क्योंकि हम भी यही चाहते हैं कि आप लोग सेहतमंद रहें। जो लोग ऑपरेशन तक के लिए जाना चाहते हैं वो रुक जाइए, और जो लोग अब दवाइयों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप लोगों का इस कार्यक्रम में हमेशा ही स्वागत है। फोन उठाइए, नंबर पर कॉल कीजिए जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखाए जा रहे हैं। हकीम साहब, जैसे कि हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी थी जिन्हें 50 साल हो गए, 50 साल से उनको शुगर, तो क्या इस बात में इतनी सच्चाई है कि जो शुगर का पेशेंट होता है उसको कभी भी हार्ट अटैक हो सकता है? हाँ, देखिए शुगर का दरअसल अजीब मामला है जी। शुगर जो है 3 चीजों पर वार करती है, एक तो हमारे किडनीज पर, अच्छा शुगर भी वार नहीं करेगी तो जो हम उसके लिए दवाइयाँ लेते हैं वो वार करती है, एक तो हमारे किडनीज पर और एक हमारी दिल पर, एक हमारी आँखों पर, ये पहले शिकार होते हैं शुगर के। तो अगर यूनानी दवाएं साथ में ली जाएं तो ये शुगर के वार से और उन दवाओं के वार से हम बच सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि मैं बताता हूँ कि एक आता है जैतून का सिरका, इसका सबसे बड़ा काम इसके जो नुकसान पहुँचाती है सबसे पहले उसे रोक लेती है, किडनीज़ को ख़राब नहीं होने देती, वरना कभी भी किडनी ख़त्म हो सकती है। लीवर का बहुत ख्याल रखती है। जैतून का सिरका 3-3 चम्मच पीने वाले लोग बहुत आराम में रहते हैं और ना दिल पर कोई तकलीफ़ होने देती, क्योंकि ये दिल के लिए बहुत अच्छी दवा है और हमारी शुगर को भी एक हद तक कंट्रोल रखती है। आप लोगों को वो सब दवाएं लेते हुए ये दवाएं जरूर लेनी चाहिए। झांसी से अगले कॉलर हैं अर्चना, स्वागत है आपका। झारखंड से, झांसी से अर्चना जी, आवाज मिल पा रही है? हेलो, हाँ जी, हाँ नमस्ते मैडम जी, नमस्कार। नमस्ते, नमस्ते सर जी, आदाब। अर्चना जी बताइए, क्या सवाल है आपका? सर हमको थायराइड भी है, शुगर भी है और प्रेशर भी है सर। अभी किडनी का, किडनी मेरा 6.1 पे है सर जी। ठीक है, ब्लड प्रेशर जी, थायराइड जी और किडनी का प्रॉब्लम जी। एक नुस्खा बताता हूँ आपको, इससे आपका थायराइड और किडनी प्रॉब्लम में फ़ायदा होना मुमकिन है, लेकिन 5-7 महीने लगातार लेना होगा आपको। याद रखें कि 300 ग्राम धनिया, धनिया का दाना जो आप किचन में यूज़ करते हैं, 300 ग्राम धनिया, 100 ग्राम मेथी, 100 ग्राम आंवला आता है सूखा हुआ आंवला, 100 ग्राम आंवला और 150 ग्राम इसमें मिलाइए गौंद,
सफ़ेद मोरिंगा, याद रखें ये बाकी तो चीज़ों को आपको पहचान है, इसकी पहचान ज़रूरी है। ये बहुत कलर्स में मिलते हैं, नकली होते हैं। गौन मोरिंगा सफ़ेद लेना है आपको, सफ़ेद गौन मोरिंगा 150 ग्राम इसमें मिलाकर पाउडर बनाएं और एक चम्मच छोटा चाय का चम्मच सुबह उस गोली के साथ जो डॉक्टर आपको देते हैं रोज़ाना, या उसके साथ या उसके बाद या उससे पहले भी ले सकते हैं, वो गोली भी खाएं। और एक चम्मच शाम को रात को सोते समय गर्म पानी से लें। इससे आपके दो फायदे तो होना मुमकिन है। ब्लड प्रेशर के लिए लहसुन खूब खाया करें, जितना भी आप लहसुन खाएंगे, अदरक खाएंगे, इतना आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना मुमकिन है। जी, गाज़ियाबाद से अगली कॉलर है सुधा, स्वागत है आपका। जी मैडम नमस्ते सर। जी डॉक्टर सुलेमान सर से बात करनी थी। जी यादावर सुधा जी, बताइए क्या सवाल है। मेरे हार्ट में परेशानी है, मेरी पल्स रेट तो बढ़ जाती है, 2% है, मेरे हस्बैंड की पल्स रेट कम हो जाती है। ठीक तो आप नुस्खा बताते हैं ना, नींबू का रस और अदरक का लहसुन का, वो मैंने निकाल लिया पर मेरे को वो नहीं मिला है, जैतून का सिरका। तो देखिए जब भी बनाना हो इसको तो जैतून का सिरका सबसे पहले मंगाएं, क्योंकि ये चीज़ें ख़राब ना हो जाएं। जैतून के सिरके में ये भी सलाहियत है कि वो इन चीज़ों को ख़राब नहीं होने देता, और इसको अगर ख़राब नहीं हुआ हो तो फ्रिज के हवाले कर दे, नहीं तो ये ख़राब भी हो सकता है। और जैतून का सिरका अगर कहीं नहीं मिले तो हमारे यहाँ हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करें, वो बता देंगे आपके इस शहर में कहाँ पर मिल सकता है। ये बहुत बड़ी दुकानों पर मिलता है, यह हमारे यहाँ भी मिलता है, आप चाहें तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों लोग अगर इसे लेंगे तो दोनों को फ़ायदा मुमकिन है। जी जैसा कि इन्होंने कहा कि इन्होंने अदरक का सिरका निकाल के रखा हुआ है, नींबू का भी इन्होंने रस निकाल के रखा हुआ है, अदरक का भी, तो ये जो होते हैं हकीम साहब, हम सालों साल अपने घर में रख सकते हैं, कभी ख़राब नहीं होते हैं? हाँ, बशर्ते हम इसमें सिरका मिला दें फौरन। जी नहीं तो इसमें कोई किसी किस्म की स्मेल आ गई या फफूंद आ सकती है। लेकिन सिरके में सलाहियत है कि आप अगर 100 साल भी रखो जी तो किसी चीज़ को ख़राब नहीं होने देता। जी तो किसी तरीके का कोई कंटेनर नहीं कि इसी में रखना है, हम किसी भी चीज़ में उसको रख सकते हैं? हाँ वैसे चाहिए तो ये कि प्लास्टिक के बर्तन में रखें या कांच के बर्तन में रखें। कांच का बर्तन अब इतना बड़ा लोग रखते नहीं, जार में रखते हैं। जी जी तो जार के बर्तन में, प्लास्टिक के बर्तन में रखें तो फ़ायदा होना मुमकिन है। जी अगले कॉलर हैं नीरज हमारे साथ जम्मू कश्मीर से, स्वागत है आपका। हेलो हेलो जी नीरज जी बताइए। हाँ जी जी मेरे कंधों में थोड़ी पेन थी। कहाँ पेन है? कंधों में, शोल्डर में। कंधों में, उम्र क्या है आपकी? 45 साल। ठीक है। तो देखिए कंधों के दर्द के लिए एक एक्सरसाइज आपको हवाले करता हूँ और वो समझ लीजिए कैसे है। ऐसे सीधा बैठे और ये आपको 3 मिनट रोज़ाना करनी है, ठीक है? और 3 मिनट ये वाली ऐसे 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 ऐसे, और अगर आपको मिल जाए गौंसिया असली तो 100 ग्राम खरीद लें, आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद, आधा ग्राम शाम को खाने के बाद, पानी से, दूध से, जूस से, जैसा आप चाहें लें, थोड़ा सब्र करें तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी उत्तराखंड से अगले कॉलर है त्रिलोक जी, स्वागत है आपका। हेलो जी। हाँ हाँ जी बताइए, अपना सवाल करिए। मैंने वो हकीम साहब से बात करनी थी ना। जी जी बताइए बताइए क्या सवाल है भाई। मैंने दवाई मंगाई थी ना वहाँ से, 4 तारीख को बोला दवाई वहाँ से रिलीज कर दी। अच्छा तो पहुँची आप तक या नहीं? वो दवाई अभी तक नहीं पहुँची। अच्छा चलिए, अगर दवाई आप तक नहीं पहुँची है, रॉ मटेरियल रिलेटेड कोई क्वेरी करना चाहते हैं या फिर आपका यही सवाल है कि अभी तक क्यों नहीं पहुँची है, तो हेल्पलाइन नंबर देखिए आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे चल रहा है, आप तुरंत उस पर बात कर लीजिए, तुरंत उस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए, आपकी पूरी पूरी मदद की जाएगी, परेशान
बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि वक्त लग जाता है दर्श को, डिमांड बहुत ज्यादा होती है, तभी आप लोगों से कहा जाता है कि एकदम आप लोगों को कोई भी रॉ मटेरियल नहीं मिल सकता है, कोई भी यूनानी मेडिसिन नहीं मिल सकती है, कुछ दिन का आप लोगों को इंतजार करना पड़ता है। तो आपसे कहना चाहूंगी तुरंत हेल्पलाइन नंबर पर आप बात कीजिए।